नमस्कार दीवियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। कैसे हैं सभी और कैसे चल रही आप सभी की तैयारी? यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा ENM का जो फॉर्म था वो आज से ओपन हो चुका है, स्टार्ट हो चुका है। दोपहर से ही इसकी लिंक एक्टिवेट है और बहुत सारे साथी जो हैं परेशान हैं इस बात के लिए कि सर कैसे फॉर्म भरे। स्टेप बाई स्टेप एक बार आप बता देते इसमें आवताएं क्या है, सब कुछ आपको यहां पे टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर तरीके से तैयारी भी करवा रही है और साथ में हर स्टेप पे आपको गाइडेंस भी देने के लिए ये टीम हमेशा तैयार रहती है और इसके बदौलत ही हम लोग बेहतर तरीके से आप सभी को सब कुछ उपलब्ध करवा पा रहे हैं। तो आते हैं हम लोग आज ENM के यूपी ट्रिपल एससी ENM जो नई भर्ती है स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, इसमें फॉर्म स्टार्ट हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम लोग फॉर्म फिलिंग देखेंगे, क्या नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं, एलिजिबिलिटी क्या है, सब कुछ हम लोग चंद समय में इसमें यहाँ पे देखते हैं। अगर बात करें हम लोग, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप सभी देवियों को टीम परीक्षा प्लस बहुत बेहतर उपहार लेके आई है इस दिवाली में और ये 27, 28, 29, 30, 31 के ऑफर में सारे कोर्सेस मात्र 249 रुपए में। यानी कि अगर आप ENM का कोर्स अभी ज्वाइन करना चाहते हैं तो मात्र 249 में ये दिवाली के ऑफर पीरियड में मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन कोर्स है। आपकी परीक्षा के तहत तक आपके साथ आपकी वैलिडिटी रहेगी, परीक्षा की लास्ट जो आपका डेट होगा तब तक टीम परीक्षा प्लस आपके साथ बेहतर तरीके से मेहनत करती रहेगी और परीक्षा के बाद में भी जो भी आवश्यक आपके लिए गाइडेंस होगा वो सब कुछ देती रहेगी। तो इस टीम से जुड़ने के लिए बहुत बेहतर मौका है, आप लोग अभी जुड़ जाइए। सारे टेस्ट सीरीज भी मात्र 89 में है, आप किसी टेस्ट सीरीज से भी जुड़ सकते हैं। आते हैं हम लोग ENM के इस फॉर्म की बात करते हैं, आपको क्लियरली विजिबल होगा मेरे ख्याल से। यहाँ पे देखा जाए तो विज्ञापन की प्रकाशन की तिथि 14/10/2024 था, अभी ऑनलाइन आवेदन शुल्क जमा करने की तिथि 28/10/2024 था। तो ये अभी 28 तारीख से स्टार्ट हो चुका है, अंतिम जो आपका समय होगा तारीख होगी वो 27 नवंबर तक है और उसके बाद 4 तक आप क्या कर सकते हैं, इसमें फॉर्म भर सकते हैं, अभी फीस जमा कर सकते हैं। इसके लिए 25 रुपए फीस आपको लग रही है तो बहुत ज्यादा नहीं लग रहा है। तो ऐसी सारी देवियां जिन्होंने पीटी 2023 दिया है और जिनके पास ENM का 1.5 साल या 2 साल का सर्टिफिकेट है वो सारी ही देवियां यहाँ पे क्या है, एलिजिबल है। 18 से 40 इसमें उम्र है, तो अगर आप 18 से 40 की उम्र के अंदर है मेरे ख्याल से इसमें सभी लोग होंगे। साथ में जैसे कोई एससी कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है, एससी कैटेगरी है तो उनको 5 साल का रिलैक्सेशन मिलता है, तो एज रिलैक्सेशन भी मिलेगा तो उनके लिए 45 साल तक है। तो ये चीज ध्यान दीजिएगा कि आप सभी लोग इसमें आवेदन कर सकते हो। दूसरी बात अगर यहाँ पे बात किया जाए तो टोटल ये पीटी 2023 के आधार पे, अभी शॉर्ट लिस्टिंग का आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा विचार, बट मैं आपको समझाना चाहूंगा कि शॉर्ट लिस्टिंग के लिए बहुत ज्यादा परेशान मत होइए। शॉर्ट लिस्टिंग में अभी जो 0 नंबर से ऊपर होंगे वो सारे लोग एलिजिबल होंगे, बस 0 या निगेटिव में मार्किंग ना हो तो आप समझिए कि आप लोग इसमें क्या हो जाएंगे, अब वो मुख्य परीक्षा देने में आप लोग क्या होंगे, बोल सकते हो कि आप लोग एलिजिबल रहेंगे। 52 से 72 कम पद नहीं होते, 15 गुना बुलाता है, लेकिन नॉमिनेशन के 2 अंक तक, तो आप 15 गुना ना मानो, आप उसे 30 गुना मानो। और अगर इसे 5000 बोले तो 5000 वैकेंसी मान के चले और अगर हम 30,000 करें तो 5 से 15 मतलब 1.5 लाख बच्चा बुलाया जाएगा और ओवरऑल देखा जाए तो मेरे ख्याल से 20-25,000 से ज्यादा टोटल अभ्यर्थी ही अवेलेबल नहीं होंगे मैक्सिमम की दशा में, तो इससे ज्यादा छात्र ही नहीं होंगे, इससे ज्यादा बोल सकते, इससे ज्यादा मतलब की बोल सकते हो कि कैंडिडेट ही नहीं होंगे जो फॉर्म भरे। तो इस कारण से कि जो भी बस आपने पीटी 2023 दिया और 0 नंबर से चाहे 0.5 नंबर आ रहा हो तो भी आप क्या करेंगे, तो भी आप इसमें एलिजिबल है। ठीक है, अब आती है ये बात, आपकी जो दिमाग से संशय है वो निकल गई है कि कौन शॉर्टलिस्टिंग होगा, सब लोग होंगे, बस आपको क्या करना है, 25 रुपए देकर फॉर्म भर देना है। तो सभी चाहे आप किसी भी वर्ग के हो, किसी भी कैटेगरी के हो, सबको 25 रुपए लग रहा है, तो यहाँ पे कोई पार्शलिटी भी नहीं की गई है। अब आते हैं बात यहाँ पे, ये आपका तो पिछला कट ऑफ था जो मैंने आपको यहाँ पे बताया, ठीक है, वो पिछले कट ऑफ के आधार पे देखा जाए तो एक बार पिछला कट ऑफ भी देखते हुए चलेंगे। आरक्षित का 50 नंबर पे हो गया था, AWS पे 3 नंबर का हो गया था, तो इस आधार पर हम लोग को तैयारी इस बार बेहतर तरीके से करना है। अगर पिछली बार इतना था तो हो सकता है इस बार थोड़ा सा ज्यादा हो, लेकिन घबराना नहीं है, ये करना है कि अभी तैयारी हमें बहुत बेहतर तरीके से करना है। 100 नंबर का आपका सिलेबस है, 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर होगा, 1/4 नेगेटिव होगा, वो सब कुछ मैं बताऊंगा आपको कैसे कवर करना है। अभी कौन इसके लिए एलिजिबल है, तो आप क्या हो, 12th पास होना चाहिए और साथ में ये 12th पास होना चाहिए, साथ में आपके पास क्या होना चाहिए, ENM का क्या होना चाहिए, 1 साल 6 माह का या 2 साल का जिसमें प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित होता है, तो आप इसके लिए क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो। परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम मैंने आपको यहाँ पे सब कुछ बता ही रखा है। अब आते हैं यहाँ पे, अगर बात किया जाए उत्तर प्रदेश चिकित्सा, ये इसमें नोट लिखा हुआ है, नोट ये है कि जो ऐसे लोग होंगे जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं, किसमें, अगर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर
सहायक नर्स मिडवाइफरी के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अधीन किया दिया जाएगा, उन्हें 15 नंबर एक्स्ट्रा नंबर दिया जाएगा। ये मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, किसी और वीडियो में अच्छे से और एक्सप्लेन कर दूंगा। ऐसे मान के चलो कि जो भी संविदा वाले होंगे उन्हें अधिकतम 15 नंबर मिलेगा, हर साल का 3 नंबर, जितने साल जॉब किए होंगे संविदा पे उतना ही नंबर आपको मिलेगा। जैसे कोई 3 साल किया तो 3 × 3 = 9 नंबर, कोई 2 साल किया तो 3 × 2 = 6 नंबर, कोई 4 साल किया है तो 3 × 4 = 12 नंबर, कोई 5 साल किया है तो 3 × 5 = 15, कोई 6 साल भी किया है तो भी उसे 15 ही नंबर मिलेगा, अब 6 × 3 = 18 नहीं मिलेगा। क्लियर है बात? तो 15 अधिकतम अंक दिया जाएगा और ये जो आप जो मुख्य परीक्षा आपकी होगी 100 नंबर वाली, उसमें जो नंबर आएगा उसी में जोड़ दिया जाएगा। अब आते हैं आयु क्या होनी चाहिए। तो जैसे मैंने आपको बता दिया कि पहली जुलाई को 18 वर्ष और 40 वर्ष से 18 वर्ष से ज्यादा और 40 वर्ष से कम अगर आप हैं तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। रही बात आप आवेदन कैसे कर सकते हो, तो आवेदन करने की जो लिंक है मैंने इसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लगा दिया है, पहली बात। दूसरी चीज आपकी ये है कि आप UPSSC की वेबसाइट पे जा सकते हो। UPSSC वेबसाइट के आप जब होम पेज पे जाओगे तो यहाँ पे आपको लाइव एडवर्टाइजमेंट सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद आपको कुछ ऐसा पेज ओपन होगा। यहाँ पे आप जब पेज ओपन करोगे तो अप्लाई पे क्लिक करोगे, जैसे अप्लाई पे क्लिक करोगे ये आपको खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आप पूछेगा कि आप 18 से 40 है, टोटल वैकेंसी सब व्यू करने की जरूरत नहीं है, आपकी वो सबमिट एप्लीकेशन करना। सबमिट एप्लीकेशन करने के बाद आपका ये पेज आ जाएगा, इसमें नीचे आएंगे तो यहाँ पे टिक करने को बोलेगा, आप टिक करेंगे फिर आई एग्री पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये लिंक जो है, ये लिंक भी आपका क्या है, फॉर्म भरने का है। और मैं आपको यही लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, तो वहां से आप डायरेक्ट जा सकते हैं लिंक पे क्लिक करके। तो लिंक पे जब आप डायरेक्ट क्लिक करेंगे तो आपको हो सकता है ये वाला पेज जो है, आप जब लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज आपको डायरेक्ट ओपन होकर आएगा, ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। अब आते हैं जब हम लोग इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका आगे जब बढ़ेंगे तो आपका यहाँ पे दो चीज मांगेगा, थ्रू OTP थ्रू पर्सनल डिटेल। तो अगर आपने PT दिया है और आपको पास PT का रजिस्ट्रेशन नंबर 2023 वाला है तो आप थ्रू OTP कीजिएगा, थ्रू OTP कर इधर करेंगे तो आपको पर्सनल डिटेल मांगेगा, ऐसे आपका पर्सनल डिटेल मांगेगा ये सारी चीजें, जिसमें आपका PT रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, यहाँ पे जेंडर डालना है, जेंडर में आप लोग फीमेल ही चूज करिएगा, मेल के लिए वैकेंसी है नहीं। उसके बाद यहाँ पे डोमिसाइल ऑफ UP, अगर आप यूपी के हैं, यूपी के रहने वाले हैं तो आप खासकर यूपी के रहने वाले, मतलब अगर आप 10th 12th ये से पास किए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो आर यू डोमिसाइल ऑफ UP, या इसके बाद निवास प्रमाण पत्र भी बनता है, तो आप यहाँ पे अगर आप यूपी में रहने वाले हैं तो यस कर देंगे, यूपी के बाहर के हैं तो आप नो कर देंगे। बस कैटेगरी आपकी क्या है, जैसे अनरिजर्व्ड है या फिर आपका SC है, OBC है, ST है, वो कैटेगरी चूज कर लेंगे। और यहाँ पे जो वेरिफिकेशन जैसे VBZTB सब कैपिटल में लिखा है वही उठा के आपको यहाँ पे डालना होगा। आप इसे करेंगे तो जैसे ही क्लिक हियर टू प्रोसीड पे क्लिक करेंगे आप नेक्स्ट पेज पे आएंगे और यहाँ पे अच्छा थ्रू OTP वाले पे करेंगे तो इतनी डिटेल नहीं मांगेगा। थ्रू OTP में आप केवल PT रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, एक OTP कोड आपके मोबाइल नंबर पे आएगा, जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होगा वो OTP कोड डालेंगे और ये फिर से वही चीज आप यहाँ पे क्या करेंगे, वही चीज यहाँ पे आप सबमिट कर देंगे और फिर क्लिक हियर टू प्रोसीड कर देंगे। तो ऐसा करने पे आपका फॉर्म क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, फॉर्म भरने लग जाएंगे। अब इसके आगे का स्टेप बाय स्टेप मैं एक अन्य वीडियो में आपको बता दूंगा कि कैसे हमें किस किस डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, कहां पे कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सब मैं स्टेप बाय स्टेप वीडियो बना दूंगा। तो इस कारण से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि ऑफर तो चल रहा है, आपको इतना सारा पाठ्यक्रम 38 टॉपिक का पाठ्यक्रम कवर करना है तो टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत बढ़िया परीक्षा योजना बनाया है, ये आप ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देखोगे तो पूरे आपके जो 38 टॉपिक है उनको 7 से 8 मेजर टॉपिक में क्या किया है, तोड़ा गया है। तो आप देखोगे जैसे फूड एंड न्यूट्रिशन एक टॉपिक तोड़ा गया है, जिसमें सिलेबस का पॉइंट नंबर 5 नंबर 7 नंबर 8 नंबर आया, ऐसे ही आप देखोगे PNM और उनकी कार्य में पॉइंट नंबर 3 आया 6 आया 11 आया और साथ में 17 और 18 आया। ऐसे तीसरा पार्ट ह्यूमन फिजियोलॉजी में केवल 15वां पार्ट आया। ऐसे स्वच्छता रोग में पॉइंट नंबर 2 और 12 आया। ऐसे ही बात किया जाए इसमें 13 16 19 और ये भी आपके पॉइंट है। ऐसे इसमें ये सारे क्या है जो बीमारी वाले और पॉइंट नंबर आपका क्या है 31 और 32 आया। दवाइयां और उपचार घरेलू नुस्खे में आपका 20 आया 33 आया, ये पार्ट आपके आ जाएंगे। और यहाँ से ये पूछा हुआ क्वेश्चन, क्योंकि आप देखोगे सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आपका पूछा जाता है गर्भावस्था और गर्भपात से ही पूछा जाता है। तो अगर आप गर्भावस्था गर्भपात वाले टॉपिक को कर लेते हो, आप नवजात शिशु वाले टॉपिक को कर लेते हो, किशोरावस्था वाले टॉपिक को कर लेते हो और उसके बाद आप पोषण वाले टॉपिक को कर लेते हो, जो आपका पार्ट है जिसके बारे में आपको जानकारी होती भी है, नो डाउट। जो संविदा वाले हो उनको ऑलरेडी सब कुछ पता होगा, मैक्सिमम 90% तो चीजें पता होंगी। और जो संविदा वाले नहीं है, जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी ये अगर 4-5 पॉइंट कर लेते हो तो आपका यहीं से आपका क्या हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा, आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इसके लिए मैं आपको अलग से बताऊंगा। तो ANM का एक बहुत बेहतर कोर्स आपका परीक्षा प्लस चला रही है और ये कोर्स मात्र 499 में है, लेकिन दिवाली ऑफर में आप बिना किसी कूपन के, मतलब कोई कूपन भी नहीं लगाना है, ये आपको कितने में अवेलेबल हो रहा है, ये आपको अवेलेबल हो रहा है मात्र 249 रुपए में।
तो आप सोचो कि इसका भी 50%, इसका 50% हुआ, फिर इसका 50% हुआ, मतलब कि 75% से ज्यादा डिस्काउंट आपको इसमें मिल रहा है और ये ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलेगा, इस बात को ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि परीक्षा प्लस एकमात्र टीम है जहां पे आपको इस एक सिंपल सिलेबस को कवर कराने के लिए 5 अध्यापक है, जिसमें मैं खुद आपको बहुत सारे पार्ट कवर करा रहा हूँ। आशीष सर है, रमन सर है, सर्विस सर है, नवीन सर है, सब कुछ आपको बहुत बेहतर तरीके से यहाँ पे मिलने वाला है। तो बिल्कुल आपको चिंता नहीं करना है। आपको कैसे इस कोर्स से जुड़ना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूसरी लिंक है, ऐप की लिंक है, आप उस पर क्लिक करोगे तो परीक्षा प्लस ऐप के प्ले स्टोर पर पहुंच जाओगे, और या फिर अगर आपके पास ऐप पहले से इंस्टॉल है तो आप पेड कोर्स पे जाओगे, नहीं है तो इंस्टॉल करोगे फिर आप पेड कोर्स पे जाओगे। पेड कोर्स पे आपको सब यहाँ पे आ जाएगा, UPSSC ANM 2.0, इस पे आपका यहाँ पे जो पेड किए होंगे उनको ऐसे दिखेगा, जो पेड नहीं किए होंगे वहां पे बाय नाउ का बटन आएगा और यहाँ पे व्यू डेमो का बटन आएगा। तो अगर आप डेमो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ से डेमो देख सकते हैं, यहाँ से डेमो देख सकते हैं, और अगर बाई करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आपका बाई का बटन आएगा, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। जैसे परचेज कर लेंगे आपका जो ऐप है, आपके ऐप पे यहाँ पे माई कोर्सेस में आ जाएगा, माई कोर्सेस पे क्लिक करेंगे तो ऐसा दिख जाएगा, व्यू कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सारे जो सारी चीजें लाइव क्लासेस तो यहाँ पे दिखेंगी, रिकॉर्डेड जो क्लास हो जाती है उनका रिकॉर्डेड फॉर्म यहाँ पे मिल जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ा जाएगा, देखिए व्हाट्सएप ग्रुप है तो आपने आपको मार्गदर्शन दिया जाता है, सारे स्टडी डिस्कशन किया जाता है, आप डाउट्स यहाँ पे पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट जो आप पूछे वो आपको यहाँ पे दिखाई देगा। आपको इसके साथ साथ एक वीओडी बैच दिया गया है, यानी कि जो इससे पहले का बैच था, यानी कि ANM 1.0 जो था वो आपको इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया, मतलब कि आपको 249 में दो दो बैच का क्या मिल रहा है, दो दो बैच की सुविधा मिल रही है। आप चाहो तो पीछे से रिकॉर्डेड क्लासेस भी देखते हो और लाइव भी अटेंड करते हो तो आपका सिलेबस भी जल्दी कवर हो जाएगा, आप इसे कितनी बार भी देख सकते हो, हिंदी अंग्रेजी माध्यम दोनों में आपको अवेलेबल है, आपके एग्जाम की डेट तक रहेगा, नोट्स भी है, क्लास भी है, लाइव भी है, रिकॉर्डेड भी है, आपकी छूट जाती है तो बाद में देख सकते हो, और इसमें मेजर मेजर आपको टेस्ट भी है, मतलब आपको तैयारी में जो भी कुछ चाहिए वो सब कुछ आपको यहाँ पे अवेलेबल है, आपको इसके लिए कुछ और परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो बहुत बेहतर कोर्स है, ANM का फॉर्म स्टार्ट हो गया, फॉर्म भरना स्टार्ट कर दीजिए, कोई भी समस्या आती है आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन, इसी वीडियो के आप में जाके कमेंट कर सकते हैं या नीचे जो नंबर चल रहे हैं इन पे कॉल करके अपनी समस्याओं को पूछ सकते हैं। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का आभार।